जबरजना मामले विच सुच्चा सिंह लंगाह नूं श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार वल्लों पंथ विचों छेकिआ नूं करीब 3 साल का समा हो चुका है, लेकिन हुण सुच्चा सिंह लंगाह वल्लों लगातार ही श्री अकाल तख्त साहिब ते 101 दिनां तों नतमस्तक होया जा रहा है। उन्हां पत्रकारां नाल गल्लबात करदिआं कहा कि रब तों दूजी पदवी सिख कौम श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार नूं मनदी है। अते श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ने भी समागम दौरान कहा कि जो सिख नीमा हो के श्री अकाल तख्त साहब को आवेगा उसनू माफ किया जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं लगातार 101 दिनों तो श्री अकाल तख्त साहब से माफी मंगने नहीं आ रहा हाँ, मैनू माफ नहीं किया जा रहा। हुण करिए ते की करिए, फसल बीजनी है पैसे नहीं, कर्जे ते कर्जा। इस सरकार नू वोट इस करके पाई सी, कहंदे सी कि सारे कर्जे माफ करांगे, किसानी बचावांगे। मिलिया की 108 रुपये दा चेक। हुण गलती नहीं करनी, सबक सिखाउणा है। वोट पाउणी है उहनां नू जिहड़े समझण साडे दर्दां नू। अज बड़ी महान ते पवित्र धरती हरिमंदर साहब ते अकाल तख्त साहब के दर्शन किए ने। पिछले 101 दिन होए ने, लगातार मैं गुरु महाराज के चरणों में आके अरदास बेनती करना। सिंह साहब जो रब तो बाद दूजी पदवी से ने, 2 नंबर की पदवी से ने, उन्होंने भी बेनती करना, तरला लेना, मिन्नत करना वा कि मैनू पंथ में शामिल किया जाए। मैं 75 किलोमीटर रोज़ नंगी पैरी आना तो 75 वापस जाना वा। 150 किलोमीटर जड़ा वा वो मैं गुरु के चरणों में ही पाठ करता ही जाना, तो पाठ करता ही आना। बहुत बार उन्होंने एप्लीकेशन दित्तियां ने, संगत भी उन्होंने कोल गईयां ने, तो मैं समझना कि जिहड़ी रब तो दूजे नंबर की पदवी है अकाल तख्त साहब की जथेदार साहब की, उन्होंने मंजी साहब के दीवान हाल में ओपन अपनी कथा में कहा कि जे कोई निम्रता नाल न्यू के सिख जिहड़ा अकाल तख्त से आता है तो उन्होंने पंथ में शामिल कर लिया जाता। ये गल सारी दुनिया के लोगों ने सुनी है, मेरे कन्नी भी पई है। तो हुण मैं समझना कि जो मैं 101 दिन ही लगभग दीवान बह के पाठ करना तो मेरे कन्नी फिर आवाज़ पै जाती है कि ढाडी सिंह भी कहते हैं कि बख्शंत दारिया। तकरीबन 3 साल। मैं तो रब अगे अरदास बेनती ही करना कि उन्होंने मन में वसण, तो मेरी बेनती प्रवान कर, मैं पंथ में शामिल कर। मैं तो समझना कि मैं तो गुरु के ही गोडे फड़े हुए ने, पैर फड़े हुए ने। मैनू नहीं पता कोई राजनीतिक दबाव हैगा कि नहीं हैगा, पर इन्ना कोई भी लंबा समा जिहड़ा वा किसी नू इग्नोर नहीं किया गया। मैं कदे राजनीति बारे सोचा ही नहीं गा, मैं तो केवल केवल गुरु वास्ते ही सोचना कि गुरु मैनू अपने चरणों का आसरा दे। ये रब की कृपा होए तो मैं लगातार ही आवांगा।